मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लाइफ साइंस चैनल पर। संत जेवियर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट एंट्रेंस एग्जाम 2023 का ऑनलाइन कोर्स का फर्स्ट वीडियो लेके आ चुका हूं और ये जीके सेक्शन का पहला वीडियो है, क्योंकि जीके सेक्शन आप किसी भी कोर्स के लिए एंट्रेंस दे रहे हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस में मैथ हो या बायो हो, हर जगह पूछा जाता है। इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में लेकर आ चुका हूँ। और पहला क्वेश्चन है, एडुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ये किन्होंने कहा था? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके आंसर करके देखिएगा। यहाँ पर मैं वीडियो के साथ भी आंसर बताऊँगा और लास्ट में भी सभी क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है हमारा, संत जेवियर कॉलेज रांची एस्टैब्लिश इन ईयर, किस साल में संत जेवियर कॉलेज का स्थापना हुआ है? तो 1944 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, संत जेवियर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट इज एफिलेटेड टू, यानी कि संत जेवियर कॉलेज रांची किस बोर्ड से एफिलेशन है इसका, किस बोर्ड से इसको सर्टिफिकेट वगैरह सब मिलता है पास होने पर? तो जैक बोर्ड रांची के द्वारा दिया जाता है। संत जेवियर कॉलेज रांची का मोटो क्या है? मोटो आपको बताना है संत जेवियर कॉलेज रांची का, तो इसका मोटो जो है वो फायर एंड लाइट है। यदि आपको कंफर्म करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ मिल जाएगा। संत जेवियर कॉलेज रांची फाउंडेड बाय, किसके द्वारा संत जेवियर कॉलेज रांची का स्थापना किया गया है? तो सोसाइटी ऑफ ज्यूस के द्वारा संत जेवियर कॉलेज रांची का स्थापना किया गया है। द करेंट प्रिंसिपल ऑफ संत जेवियर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट इज, अभी वर्तमान संत जेवियर कॉलेज रांची का इंटरमीडिएट सेक्शन में प्रिंसिपल कौन है? तो आपका फादर अजय अनिल तिर्की है, ये होगा, ठीक है? अभी देखिए जेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जेवियर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आते हैं, जीके से ऑलमोस्ट 10 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से एक दो आपका जेवियर कॉलेज और झारखंड से रिलेटेड रहते हैं। तो आज झारखंड से और जेवियर कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट नेम ऑफ संत जेवियर, यानी कि संत जेवियर जो थे, संत थे, उनका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम हो जाएगा आपका संत फ्रांसिस जेवियर, सी नंबर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर इन झारखंड? देखिए ये क्वेश्चन जो है 2022 का जो एंट्रेंस एग्जाम था ऑनलाइन हुआ उसमें पूछा गया था, तो 24 डिस्ट्रिक्ट होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द झारखंड, तो टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट झारखंड में कितने हैं? 14 है। नेक्स्ट है हमारा, बीटला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, बीटला नेशनल पार्क कहाँ है, किस जगह में पाया जाता है, तो ये हमारा झारखंड हो जाएगा। विच वन इज द सब कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड का उपराजधानी कहाँ है? तो ये हमारा दुमका हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो बाबूलाल मरांडी, बी नंबर। नेक्स्ट है, विच इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड का कैपिटल कौन है? इसमें से कोई बच्चे बोलेंगे कि सर इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, हाँ जी इतना इजी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा रांची। हु हैज एस्टेब्लिश द जमशेदपुर सिटी, जमशेदपुर सिटी को किसने स्थापित किया है, किसने उसका निर्माण किया है? तो जेएन टाटा हो जाएगा, ठीक है? रतन टाटा नहीं होगा, रतन टाटा मत मारिएगा, सी नंबर, जेएन टाटा होगा। इन विच पार्ट ऑफ द झारखंड इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द विंटर फाउंड, कहता है सबसे कम तापमान झारखंड के किस इलाका में विंटर सर्दी के टाइम में पाया जाता है? तो नेत्रहाट है, नेत्रहाट आप लोग सुने भी होंगे, शिमला कहा जाता है झारखंड का, तो सबसे ठंडा प्रदेश यही है झारखंड का। द हुंडरू फॉल इज क्रिएटेड बाय, किस नदी पर हुंडरू फॉल है, हुंडरू फॉल किस नदी पर है? तो सबर्ण रेखा जो नदी है इस पर आपका हुंडरू फॉल है। नेक्स्ट है, सोहराय इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच ट्राइब, सोहराय जो त्यौहार है वो कौन सा ट्राइब लोग मनाता है?
तो ये जनजाति, ट्राइब मतलब जनजाति, कौन सा जनजाति मनाता है? तो संथाली लोग मनाते हैं, तो संथाल हो जाएगा। झारखंड स्टेट का बर्ड्स कौन है, स्टेट बर्ड कौन है झारखंड का? तो कोयल है, इसको टिक मारेंगे। नेक्स्ट है स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड, झारखंड का स्टेट एनिमल कौन है? राजकीय जो है जानवर क्या है? तो राजकीय जीव जो है एलिफेंट है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ झारखंड, झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर है, रांची नहीं है, कन्फ्यूजन में रांची नहीं मार देना है, जमशेदपुर होगा। विच विटामिन हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, कौन सा विटामिन है जो खून को जमने, खून का थक्का जमने में मदद करता है? तो विटामिन के हमारा उत्तर हो जाएगा। वेन इज द नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस अभी मनाया जाएगा 28 फरवरी को। विच ऑफ द फॉलोइंग द नेम ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इनमें से कौन क्रिप्टो करेंसी है? नीचे जो दिया गया उसमें से कौन क्रिप्टो करेंसी है? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन मैंने लिया है, तो बिटकॉइन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी प्लानेट आर इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लानेट है? तो प्लानेट हमारा 8 है, पहले 9 था, अभी 8 है, तो 8 मारिएगा, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड मेटल, इसमें से कौन सा लिक्विड मेटल है? तो लिक्विड मेटल कौन है? मरकरी, जिसको हिंदी में पारा कहते हैं। विच साइंटिस्ट इज नॉन फॉर द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा हमारा, सर आइजक न्यूटन। जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने दिया, यानी कि जय जवान जय किसान का जो नारा है ये किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट है हु इज नॉन एज द फ्लाइंग सिख, इनमें से कौन सा है जिसको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा मिल्खा सिंह, आपने फिल्म भी देखा होगा या सुना होगा भाग मिल्खा। नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू बीच स्पोर्ट, हाल ही फिलहाल का घटना है, 1 साल पहले का, नीरज चोपड़ा ने जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था, तो कौन सा खेल में लाया था? जेवलिन थ्रो था, जेवलिन थ्रो टिक मारेंगे। आज का आखिरी सवाल है हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गेम ऑफ चेस, गेम ऑफ चेस में कितने स्क्वायर होते हैं? तो इसमें 64 स्क्वायर होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, आप यहाँ पर एक बार फिर से आंसर देख सकते हैं कि क्या करेक्ट आंसर है, यदि मैंने वहाँ गलती किया होगा तो आप इसको देख सकते हैं। कोई भी डाउट है किसी भी आंसर में तो पहले गूगल कर चेक कर लीजिए, उसके बाद भी आपको लगता है मैंने गलत आंसर बताया है तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।